स्टेडियम की जो ड्रॉप इन पिच मैंने आपने सुना होगा, कमर भाई से मैं बात कर रहा हूँ, कैसा लगता है? वैसी तेज होगी जैसी वाका की पिच हुआ करती थी पर्थ में? देखिए, वैसे ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट वहाँ खेली जाती है तो वो मशहूर है अपने पिच के बाउंस की वजह से, और ड्रॉप इन पिच में भी वो एलिमेंट नजर आता है। जब भी हम वहाँ मैच लास्ट टाइम जब टेस्ट मैच खेला गया था, और साथ में जो एक ट्रेडिशन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का, वो एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत सूटेबल है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो ड्रॉप इन पिच है, भले वो ड्रॉप इन पिच है लेकिन वहाँ बाउंस का एलिमेंट जरूर से अच्छा मिलेगा। प्लेयर्स को तैयारी के साथ वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि बाउंस मिलेगा तो दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट बाउंसर द बॉलर्स। अच्छा, ये बताइए अश्विन साहब, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, वनडे वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम बड़ी जबरदस्त है, पैट कमिंस टेस्ट टीम की कयादत कर रहे हैं, और उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जब पाकिस्तान का दौरा किया था तो टेस्ट सीरीज 1-0 जीत कर गई थी। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान तो नहीं किया, 14 दिसंबर से पहला टेस्ट मैच है पर्थ में। बिल्कुल, वर्ल्ड कप जीत के पैट कमिंस ने साबित कर दिया कि दे आर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग बिसाइड माइटी इंडिया, जो कि बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, और उनको उन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से जो डिफीट दी है उसका एक इम्पैक्ट जो है उनके हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्लेयर्स हैं और जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एक एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही एक मुझे खुशाइन है, और पाकिस्तान को एक अच्छी क्रिकेट टीम के अगेंस्ट खेलने को मिलेगा, तो इट विल बी अ गुड टेस्टिंग टाइम फॉर आवर यंग क्रिकेटर्स हु आर कमिंग। मे बी सेकेंड ट्रिप है उनका, और बहुत सारे लोग प्लेयर्स का फर्स्ट ट्रिप है, तो आई वुड से कि इट विल बी अ गुड चैलेंज फॉर आवर न्यू प्लेयर्स हु आर अराइविंग हियर नेक्स्ट वीक।